it again here. Here is one resistance. One more resistance is here. Here is some current source with magnitude Ix, and voltage across it is given to be Vx. This is 1 ohm, this is 4 ohm, this is 2 ohm, this is 10 ohm, this is 60 volt. Here 2 ampere of current is following. 2 ampere current is flowing here. So this is what? 60 volt. Now, how can we proceed in this question? What we have to find? We have to find the value of Ix and Vx. See, how can you proceed? Here 2 ampere of current is flowing. Some current, there is a battery, some current must be coming from here. Let me say this is I. Okay? Okay. This is a current source. So, and it is located at the perimeter as well. So, what will happen? We see what will happen. Jo current source ka value hai, wahi current yahan pe flow karega, kyunki kya kahan pe hai ye? Perimeter pe hai, to iska respective loop current bhi iske barabar hoga. Fine. तो यहां से Ix आएगा. अब देखो यहां पे 2 एम्पियर है ना. अब हमें देखना होगा, देखो इस यहां पे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मतलब यहां पे भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, सेम ब्रांच है क्योंकि. तो यहां पे KCL लगाओ, से यहां से करंट आया तो कुछ यहां गया और कुछ यहां से आया, यहां से निकला. मैंने ये डायरेक्शंस कंसीडर कर लिए एक बार में, आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लेना आपको जैसा ठीक लगे. आई एम सॉल्विंग दीज डायरेक्शंस, आई एम सॉल्विंग यूजिंग दीज डायरेक्शंस. So, let us apply KVL here first, in this loop. Let me say this is loop 1. So, applying KVL, this is solution for question number 2. Applying KVL in loop 1. In loop 1. Kya hoga? Negative to positive ja rahe ho? Yahan se chal rahe hain, negative to positive ja rahe ho, kya hoga? Plus 60 hoga. Yahan pe resistance kitna hai? 8 ohm ka hai. ये करंट मैंने कंसीडर किया है कितना आई, तो क्या होगा करंट के डायरेक्शन में 8 आई. और नीचे जाओगे तो क्या है, 2 एम्पियर करंट किससे फ्लो कर रहा है, 10 ओम के रेसिस्टर से. तो इज इक्वल टू कितना होगा, 0. यहां से आप आई का वैल्यू निकालोगे, मिलेगा आपको 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 आई. सो आई विल बी इक्वल टू 40/8. दिस विल बी इक्वल टू कितना, 5 एम्पियर. The next thing, what will you do next? 5 ampere current मिल गया मुझे, यहां से आ रहा था. ये देखो I is equal to क्या मिला मुझे, 5 ampere मिला. अब 5 ampere यहां से आ रहा था और 2 ampere कहां चला गया, ये नीचे चला गया. तो अब अगर आप इस नोड पे, say this is node A and node B, मैं इसको node A और node B मान रही हूं, तो node B पे आप KCL लगाओ, by KCL at नोड ए, क्या होगा, 5 इज इक्वल टू, देखो 5 क्या है, इनकमिंग है, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस, मैं इसको I2 कह देती हूं, I1 कह देती हूं, I1, दिस इज माई I1. तो 2 प्लस I1, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर. यानी कि 3 एम्पियर करंट कहां से फ्लो कर रहा है, यहां से. अब 3 एम्पियर क्या हुआ, यहां से आया और Ix करंट इधर से आ रहा है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, Ix प्लस 3 करंट जाएगा. अब करो, अब आप क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, आपको तो Ix निकालना है. तो आप लूप लगाओ, लेट अस से दिस इज लूप 2, लेट मी यूज दिस लूप. Okay, I'm using this loop. See, this is my loop. This is called loop 2. So, in loop 2, by KVL in loop 2,
देखो यहां से चलना शुरू कर रही हूं मैं, तो कहां जा रही हूं मैं, करंट तो मेरा नीचे की तरफ आ रहा था और मैं जा किधर रही हूं, नीचे से ऊपर जा रही हूं, तो क्या लूंगी मैं डायरेक्शन, पॉजिटिव लूंगी। करंट के डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव, और करंट के अपोजिट में क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब हम यहां नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या होगा, 10 into 2, तो 10 into 2। अब यहां देखो, यहां पहुंचे तो -4 into क्या होगा, ये 4 into 3। और अभी नीचे जाओ, अभी फिर से कहां आ गए आप, करंट का डायरेक्शन में आ गए, तो -ix+3 into क्या है, रेसिस्टेंस 2 ohm। हमने लूप कंप्लीट कर लिया है, तो इक्वल टू किसके होगा, जीरो के होगा, इक्वल टू जीरो। ix का वैल्यू निकालो यहां से, सिर्फ ix अननोन है, क्या हो गया ये 20 - 12 8, तो 8 = ix+3 into 2। क्या किया है, 20 माइनस में से 12 घटाया तो 8, और इसको मैं RHS में लेके गई हूं, तो यहां से आपको मिलेगा ix = 8/2 - 3, क्या आएगा ये 1 एम्पियर आएगा। ओके, ix मिल गया। अभी और एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, अभी हमें vx भी चाहिए। vx कैसे निकालोगे, इस लूप में मैं इसको कहती हूँ, इस डायरेक्शन में मान लेती हूँ मैं लूप, दिखेगा तो नहीं, लेट मी से दिस इज माई लूप 3, फाइन, इन द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट आई एम कंसिडरिंग माई लूप 3। तो कहाँ लिखूँ मैं, बाई KVL इन लूप 3। लूप 3 में देखो, यहां से तो करंट ix फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, ये vx वोल्टेज है यहां पे, तो माइनस से प्लस vx में जा रहे हो, तो क्या लोगे, प्लस vx। अभी देखो, यहां से आ रहे हो 1 ओम के थ्रू करंट के डायरेक्शन में ix करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो -1 into ix। आगे देखो, 2 ओम के थ्रू करंट के डायरेक्शन में ix+3 करंट फ्लो कर रहा है, क्या लोगे, -2 into ix+3, तो -2 into ix+3 किसके बराबर हो गई, जीरो के। यहां से आप निकालो ix का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर है, तो क्या करोगे, vx -1 and -8, ये 2+3 = कितना होगा, 5 होगा, और ये ix = 1 पुट करो यहाँ पे, ix 1 पुट करो, तो आपको मिलेगा vx = आई थिंक 3 to 5, 3 1 4, 4 2 8 और 1 9, 9 volt, vx = 9 volt, we got our vx and ix = क्या मिला आपको, ix = 1 एम्पियर एंड vx = 9 volt। सो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पॉज एंड कॉपी। नेक्स्ट वी विल सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉपीड, नाउ आई एम रिमूविंग दिस, आई विल सॉल्व प्रॉब्लम 3 हियर नाउ, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ नाउ, यूज KCL एंड KVL, वी हैव स्टडीड ओनली KCL एंड KVL अप टू हियर, एंड आई एम टेलिंग यू दीज टूल्स मीन्स द KCL, द KVL, द नोडल एनालिसिस, द मेस एनालिसिस, दीज टूल्स आर सो पावरफुल दैट यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम यूजिंग दीज इन योर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी यू विल बी स्टडिंग इन योर सेमेस्टर 4 or 5, एट माई टाइम इट वॉज इन सेमेस्टर 5, आई थिंक they have dragged it into semester 4 now. So using these you can solve almost every problem in your circuit theory and basic electrical, fine. Let us do the third problem now. Here is a 15 volt source battery, whatever you say battery or source, वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड बैटरी ना, दिस प्रॉब्लम इज लुकिंग सिंपलर आई गेस यू
have solved it by yourself by now. If not, then let us solve together. Here is 100 ohm. Here is a 50 ohm. They have given this is node 1, this is node 2, and the battery source is 15 volt. Here they have given 10 I. What is the value of this resistance here? This is 100 ohm. This is 100 ohm. Okay, I is the current flowing through here, means this branch current I is flowing. What you have to find? You have to find the voltage at node 2. You have to find the voltage at node 2. So, node 2 voltage kya hoga? Isko reference node maan lo. Isko hum maan lete ki ground hai, fine. दो लूप्स हैं आपके पास, दो लूप्स यूज करो. चलो पहले मैं ये लूप यूज करती हूँ, फिर मैं दूसरा लूप यूज करूंगी. ओके, से दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2. तो आप केवीएल यूज करो पहले लूप में. बाय अप्लाइंग केवीएल, दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. अप्लाइंग केवीएल इन द लूप 1, लूप 1 कहो या फिर आप लेफ्ट लूप कहो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या करोगे? चलो यहां से चलना शुरू करो. यहां से चलना शुरू करोगे क्या होगा? यहां पे एक बैटरी मिलेगा, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो. निगेटिव पॉजिटिव समझते हो ना आप लोग? जो बड़ा वाला प्लेट होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला प्लेट होता है वो निगेटिव होता है. या फिर अगर ऐसे वाला बैटरी बना हो तो क्या होगा? ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट, यह निगेटिव प्लेट. फाइन, देखो क्या करें. सी 15 तो प्लस 15, प्लस 15. अभी चलो आगे बढ़ो. यहां पे क्या मिला आपको? 50 ओम, लेकिन कहां? करंट के डायरेक्शन में. क्या साइन लोगे? नेगेटिव. अब चलो यहां आ जाओ, 100. और यहां पे कितना करंट फ्लो करेगा? मान लो कि ये I, यहां से देखो I आया, यहां पे नीचे कुछ करंट जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा. तो इसको मान लेती हूं मैं I2, इसको मान लेती हूं I1. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. या फिर दो नहीं मानना है तो आप एक ही मान सकते हो. क्या होगा ये? I माइनस I1. ओके, I माइनस I1 हो जाएगा. इधर I यहां से I आया और क्या हुआ? I1 नीचे चला गया, तो उधर कितना जाएगा? I माइनस I1 जाएगा. अब चलो KVL लगाओ, 15 माइनस 50 इंटू I, और नीचे जाओगे प्लस, ओके माइनस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस 100 इंटू I1. और कहां जा रहे हो? अब ये क्या है? ये एक वोल्टेज सोर्स है. कैसा वोल्टेज सोर्स है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. किस पर डिपेंड कर रहा है ये? I पे डिपेंड कर रहा है. I कहां पे है? I आपका ये 50 ओम से फ्लो करने वाला करंट है. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, क्या लोगे? माइनस 10 I इज इक्वल टू 0. देखो एक इक्वेशन मिला आपको, दैट क्या हो गया? ये 60 I हो गया. 60 I प्लस 100 I1 इज इक्वल टू 15. एक काम करो, 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो बनेगा आपको ये 12 I प्लस 20 I1 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा. लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब चलो दूसरा लूप में आ जाओ, लगाओ केवीएल सेकेंड लूप में. तो अप्लाइंग केवीएल इन द सेकेंड लूप, अप्लाइंग केवीएल इन द सेकेंड लूप, या फिर लूप 2 लिखती हूँ ना, मैंने लूप 2 लिया. इन लूप 2 क्या होगा? चलो यहां से मैंने इस डायरेक्शन में लिया है लूप. कहां से चलना शुरू किया मैंने? बैटरी से. ये वाला जो 10i वाला बैटरी है, जो डिपेंडेंट सोर्स है, तो यहां से इस तरीके से लूप है. देखो इस तरीके से लूप है, लूप 2. फाइन, तो 10i कहां से कहां जा रहे हो आप? निगेटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज से पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज में जा रहे हो. तो क्या लोगे? सो साइन पॉजिटिव लोगे. निगेटिव टू पॉजिटिव को हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं. तो क्या होगा? प्लस 10i प्लस 10i 10i
अब देखो करंट के डायरेक्शन के किसके कहां जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो, क्योंकि क्योंकि क्या है, I1 को आपने डाउनवर्ड कंसीडर किया है और आपका जा कैसे रहे हो, अपवर्ड जा रहे हो, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस 100 into I1, करंट के डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, साइन पॉजिटिव लेते हैं, और अगेन ये क्या कहा है, करंट के डायरेक्शन में है, तो माइनस 100 इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल टू जीरो। चलो यहां से 10 कॉमन ले लोगे तो बनेगा आपको आई प्लस 10 आई वन माइनस 10 आई प्लस 10 आई वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया 10 माइनस 9 आई वन, या फिर नेगेटिव ले लेती हूँ तो 9 आई माइनस 20 आई वन इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन मिल गए, अननोन्स कितने हैं, दो अननोन्स है। आपको निकालना क्या है, आपको वोल्टेज एट नोड 2 निकालना है। तो उससे पहले आपको ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 20 I1 कट जाएगा, फाइन। ओके, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 को ऐड कर दिया मैंने इक्वेशन 2 के साथ, तो ये बन गया कितना, देखो 20 I 20 I कट जाएगा ना, 20 I 1 20 I 1 कट जाएगा ना, ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 21 I इज इक्वल टू 3, 21 I इज इक्वल टू 3। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, I का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, 3/21, दैट इज इक्वल टू कितना, 1/7 एम्पियर। लेकिन आपको I का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको I1 निकालना होगा पहले, उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहां पे वोल्टेज निकालना है, फाइन, ये वोल्टेज आपको निकालना है। ओके, तो क्या करोगे, इसको मैं V मान लेती हूं, दिस इज V, उससे पहले I1 निकालो, पहले I1 कैसे निकालोगे, I1 इज इक्वल टू 9/20 इंटू I, सो I1 इज इक्वल टू 9/20 इंटू I, फाइन। क्या यूज किया मैंने, इक्वेशन 2 को यूज किया है, तो 9/20 इंटू I निकाल चुके हो, तो 9/20 इंटू 1/7 9/140 एम्पियर। अब निकालो वोल्टेज V, मैं यहां इरेज कर देती हूं क्योंकि जगह नहीं बचा है, लेट मी इरेज हियर, I1 मिल गया आपको, I मिल गया, कैसे क्या करोगे, चलो क्या करोगे, यहां पे 0 वोल्ट, यहां पे मैंने क्या किया, ग्राउंड किया है, तो ये 0 वोल्ट होगा, तो यहां पे KVL लगाओ, अप्लाइंग KVL ऑन द मिडिल ब्रांच जो बीच वाला ब्रांच है ना, उस पे मैं KVL लगा रही हूं, तो यहां से चलो 0 वोल्ट प्लस 10 I माइनस, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा हूं, प्लस 100 I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V होगा, वहां पे फाइनली हम लोग पहुंच गए V पे, तो इज इक्वल टू V, तो यहां से आपको V मिलेगा, V इज इक्वल टू 10 into 1/7 प्लस 100 into 9/140। सो और फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, माइनस V इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, फाइन। यहां से मिला आपको V इज इक्वल टू कितना होगा, ये एक 0 मैं कैंसिल कर देती हूँ, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 50, ये हो गया 45 और 10 55, 55/7, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 एम्पियर, ओ 8 वोल्ट, वी आर फाइंडिंग द वोल्टेज ना, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 वोल्ट। सो अप टू हियर वी सॉ 5 प्रॉब्लम्स यूजिंग KCL एंड KVL, वी सॉ 2-3 प्रॉब्लम्स इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, नाउ आई होप यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन KCL एंड KVL,
Now let us move to our next topic, that is the nodal analysis. We will start the nodal analysis in our next lecture. So up to here you start practicing the questions based on KCL and KVL. If you have any doubts, you can ask me in the comment box. So see you in the next lecture. Thank you.